सीरियस पेशेंट होगा तो हेलीकॉप्टर के अलावा अगर गाड़ी जाएगा तो यमकुम तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। सीरियस पेशेंट होने से बीच रास्ता में मर जाएगा। जी जी, रास्ता खराब है। ये आप देखिए, यहाँ पर 13% कहूंगा, आप दिखाएंगे तो मेडिकल का हालत ये है, आप देख लीजिएगा, स्थिति को देख लीजिए, ये मेडिकल है या फिर क्या है आपको पता नहीं चल पाएगा। यहाँ भी अगर आप इन रूम को खोल के देखेंगे, ये बंद पड़ा हुआ है, इस प्रकार का व्यवस्था है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि ये हो सकता है, हमने शुरू में भी कहा है, यहाँ पर नाम जरूर लिखा हुआ है लेकिन हो सकता है कहीं शिफ्ट हो, लेकिन ये इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर ऐसे आपने मेडिकल बना के रखा है तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? क्या सरकारी का पैसा, सरकारी का जो खजाना, जो पैसा है, वो गलत जगह में इन्वेस्ट हुआ है क्या, गलत जगह में यूज किया गया है क्या, ये सवाल करा होता है। आगे हम लोग जाएंगे, यहाँ पर जैसे हमने शुरू में लिख के रखा हुआ है, लेकिन मेडिकल का जो व्यवस्था है कैसे है, क्योंकि ये बेहतर जो है पब्लिक जानती है, तो हम लोग पब्लिक से सीधा बात करते हैं कि टूटिंग का जो कम्युनिटी जो हेल्थ सेंटर है, इसमें पब्लिक के लिए क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या नहीं है, सीधा पब्लिक से हम लोग बात करते हैं। वो क्या बात करते हैं देखते हैं। ये भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूपम करुण है। आपका यह पेशेंट है कोई? नहीं कोई नहीं, हम पब्लिक मेडिकल में पेशेंट फीस है, जैसे मेल वार्ड, फीमेल वार्ड, डॉक्टर सब कुछ ठीक ठाक है, लाइट करें सब कुछ? यहाँ कुटिंग में लाइट का बहुत प्रॉब्लम, लाइट का ये कब लाइट जाएगा उसकी गारंटी है। जी जी, ये लाइट जो है यहाँ से कम बहुत दूर से लाइन है, बीच बीच में कंटिन्यू खराब होता है, अभी आज रात के 2 दिन हो रहा है, इससे पहले पूरा 1 महीना पूरा लाइन नहीं था। कि मेडिकल में जो डॉक्टर का फैसिलिटी जैसा कुछ ठीक ठाक है? डॉक्टर का फैसिलिटी तो पता नहीं जी, लेकिन हमारे यहाँ 2 डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर नहीं है, मेल डॉक्टर 2 है, तो यहाँ में पेशेंट भी बहुत है लेकिन डॉक्टर कम होने की वजह से तकलीफ है पब्लिक को, डॉक्टर कम है, मतलब बिल्कुल कम। आपका MLA तो ये हेल्थ मिनिस्टर है, उसको कभी का पब्लिक की तरफ से वैसे कोई पूछा, मतलब बोलता है कि मतलब डॉक्टर अवेलेबल कराना है और मेडिकल को ठीक, अभी हम मेडिकल को देख रहा था, मेडिकल तो पूरा गंदा है और आदमी को बेचने के लिए भी ठीक ठाक नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर का तरफ से भी, मेडिकल की तरफ से भी बोलता है जी जी, हेल्थ मिनिस्टर का और पब्लिक की तरफ से भी पक्का बोलता है, लेकिन जो जितना हॉस्पिटल में होना चाहिए जनरल हॉस्पिटल में उतना नहीं हो पा रहा है। जी जी, ये हम लोग का बहुत बुरी कहानी है, क्योंकि ये तो क्योंकि तो बॉर्डर भी है, तो बॉर्डर में तो ठीक होना चाहिए, यहाँ तो आने जाने का रास्ता भी साधन भी ठीक नहीं है। जी जी, फिर यहाँ में कम से कम प्रथम होता इलाज भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, टेस्ट के लिए कोई मशीनरी भी नहीं है, और मशीनरी जब होता है लाइट नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, और इसका जो ये करने वाला आदमी नहीं है, उसका जो एक्सपर्ट वाला नहीं जी, होता जी, है मशीन का एक्सपर्ट वाला नहीं होता है, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ से यमकुम जाने के लिए कितना समय लगता है? यहाँ से यमकुम जाने से शाम को ही 3-4 बजे पहुँचेगा, मतलब 12 घंटा लग जाता है। 12 घंटा तो ऐसे में सीरियस पेशेंट होगा तो हेलीकॉप्टर के अलावा अगर गाड़ी जाएगा तो यमकुम तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाएगा। सीरियस पेशेंट होने से बीच रास्ता में मर जाएगा। जी जी, रास्ता खराब है और रास्ता भी हमेशा ब्लॉक होता है। ये रास्ता ब्लॉक ना। आप कितना साल से यमकुम में, मतलब बचपन अब यही का है ना? तो यहाँ बचपन से। जी जी, और जो मेडिकल का जितना जो फैसिलिटीज है, मतलब आप लोगों को कमी लगता है? हाँ बहुत कमी है, मेडिसिन तो कमी है और डॉक्टर तो कमती है। जी जी, कम से कम यहाँ नहीं है, बोलने से भी फीमेल डॉक्टर 2 होना है, मेल डॉक्टर 2 होना चाहिए। जी जी, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया कुछ भी बिल्कुल उमर होता है, हम लोग यहाँ इंक्योंग में यहाँ से जाकर अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, हम लोग पासीघाट जाना पड़ता है। जी जी जी, पासीघाट में नहीं होगा तो फिर डिब्रुगढ़ कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, ये तो हम लोग अरुणाचल का, यहाँ तो तुम सिर्फ नहीं बोल के हर जगह अरुणाचल में। जी जी, चलिए दादा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।